तो वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल डेल्टा ट्रेडिंग ऑफिशियल में। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि बैंक निफ्टी का ट्यूसडे के दिन का मोमेंटम कैसा था और उसे अपन कैसे कैप्चर कर सकते थे, और उसके बाद बात करेंगे कल वेडनेसडे वीकली एक्सपायरी के लिए इंट्राडे के लिए अपन को कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे एक अपन को बहुत अच्छी ट्रेडिंग मूव देखने को मिल सकती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, जहां पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शंस की वीडियो मिलती है, और साथ में हर सैटरडे को हम वीकली एनालिसिस डालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और संडे को क्रूड ऑयल की वीकली एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब। तो दोस्तों अभी अपन बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, और यहां पे एक अपन को फ्लैट ओपनिंग आज के दिन देखने को मिली थी, और उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम ही ट्रेड होते हुए देखने को मिला था। एक अपन को ये वाली ट्रेंडलाइन बनती हुई देखने को मिली थी, जो भी ये ट्रेंडलाइन मार्क किया होगा उसे एक बहुत अच्छा मोमेंटम छोटा सा मोमेंटम पर देखने को मिला होगा। जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ है अराउंड 12:40 वाली कैंडल से, वहाँ से अगर अपन मार्क करें तो अराउंड 96 पॉइंट्स के आसपास के छोटा सा मोमेंटम देखने को मिला है, और उसके बाद हमें सेकंड हाफ में भी साइडवेज मोमेंटम में ही क्लोजिंग देखने को मिली, और क्लोजिंग का लेवल जो हमें देखने को मिला वो है 44,662 का लेवल। तो ये था बैंक निफ्टी का आज के ट्यूसडे के दिन का मोमेंटम का एनालिसिस, जो कि था साइडवेज। अब चलिए चलते हैं पहले डेली टाइम फ्रेम में, और वहाँ देखेंगे कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में अपन को कैसा बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब अपन आ गए वन डे के टाइम फ्रेम में, मतलब कि डेली टाइम फ्रेम, और यहाँ पे अपन को कल एक पॉज कैंडल देखने को मिली थी, हॉल्ट कैंडल देखने को मिली थी, और उसके बाद आज की जो अपन को कैंडल बनती हुई देखने को मिली है वन डे के टाइम फ्रेम में, वो एक हमें इनसाइड कैंडल पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी तभी एक्टिवेट होगी जब इसका हाई या इसका लो ब्रेकआउट करेगा और उसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग देखने को मिलेगी, तो हमें उस तरफ की एक और डायरेक्शन देखने को मिल सकती है, डायरेक्शनल मूव। तो ये तो हो गया डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब चलिए चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, और वहाँ देखेंगे कल वीकली एक्सपायरी के लिए इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स अपन को कौन से देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों अपन आ गए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, सबसे पहले अपन बात करेंगे अपसाइड की मूवमेंट अपन को कहाँ देखने को मिलेगी। अपसाइड में अगर ये वाला लेवल ब्रेकआउट करेगा बैंक निफ्टी, जो कि है 45,000 के आसपास का लेवल, अगर मैं एग्जैक्ट मार्क करके दिखाऊं तो 45,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, तो एक हमें यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जिसमें कि फर्स्ट टारगेट रहेगा अपना पहले ये लेवल जो कि है 45,276 का लेवल, और अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करेगा तो सीधे जो अपना अगला टारगेट रहेगा वो रहेगा ये लेवल जो कि है 45,460 का लेवल, और अगर इसके ऊपर भी जाता है तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट ये लेवल देखने को मिल सकता है जो कि 45,745 तक का लेवल, और इसके ऊपर अपन को एक गैप पेंडिंग देखने को मिल रहा है। तो अगर ये गैप पेंडिंग या गैप फिलिंग की स्ट्रैटेजी में बनते हुए देखने को मिला बैंक निफ्टी में, तो अगला जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो रहेगा 46,150 के लेवल के आसपास का। तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे अपसाइड में, अगर 45,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को अपसाइड में ब्रेकआउट करे तो बैंक निफ्टी। अब चलिए देखते हैं डाउनसाइड की मूवमेंट अपन को कहाँ देखने को मिलेगी। डाउनसाइड में अपन को तभी मूवमेंट देखने को मिलेगी जब ये लेवल के नीचे ब्रेकडाउन करेगा बैंक निफ्टी, जो कि अराउंड 44,530 का लेवल। अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है बैंक निफ्टी, तो एक अपन को डाउनसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जिसमें कि अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल जो कि है 44,400 का लेवल, और अगर इसके नीचे भी निकलता है तो सीधे जो अपना अगला टारगेट रहेगा वो रहेगा पहले ये लेवल जो कि है 44,310, और जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा जहाँ पे बैंक निफ्टी को सपोर्ट देखने को मिल सकता है वो मिलेगा फिर सीधे ये वाला लेवल जो कि है 44,200 तक का लेवल। तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे डाउनसाइड में, अगर 44,530 को डाउनसाइड में ब्रेकडाउन करे बैंक निफ्टी, तो अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में ट्रेड करे जो कि ये वाला रेंज, तो यहाँ पे अगर अपन शांति से बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अपन को साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और वीकली एक्सपायरी के दिन अगर साइडवेज मोमेंटम में अपन को देखने को मिला तो यहाँ पे अपन को प्रीमियम डीके बहुत तेजी से देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इस जोन में ट्रेड करने से बचे, और किसी डायरेक्शनल मूव के लिए या तो पहले अपन इस लेवल के ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे जो कि 45,000 का साइकोलॉजिकल लेवल अपसाइड में, और डाउन साइड में अगर ये लेवल ब्रेकडाउन होता है जो कि 44,530 का लेवल, तो एक हमें बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे बैंक निफ्टी। अब चलिए देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन के आ रही है क्या, तो उसे भी अपन मार्क करने की कोशिश करेंगे। अब साइड से अपन को ट्रेंड लाइन बनती हुई देखने को मिल रही है, इस लेवल से अगर अपन एक ट्रेंड लाइन बनाना शुरू करें और ऐसे अगर एक्सटेंड कर दें तो अपन को कल के लिए एक ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी बनती हुई देखने को मिल रही है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के साथ साथ 45,000 के लेवल के ऊपर भी सस्टेन करेगा तो एक हमें बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव अप साइड में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो इस ट्रेंड लाइन को आप अपने चार्ट पे जरूर मार्क करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेवल्स और एनालिसिस से समझ में आएगा, और आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एजुकेशनल यूज़ के लिए मार्क करेंगे। हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, जहाँ इंट्राडे के लिए लेवल्स, ट्रेंड लाइन्स और एजुकेशनल ट्रेड पोस्ट करते हैं। तो हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।